स्वागत हो गया एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक नए मैच के प्रेडिक्शन वीडियो में। और आज का मैच जो इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के बीच में T20 वर्ल्ड कप 2024 का मैच नंबर 45 जो कि दोस्तों 21 जून शाम 8 बजे डेरेन सैमी स्टेडियम पर खेला जाने वाला है। तो दोस्तों आज के मैच की पिच रिपोर्ट क्या रहने वाली है, किस हिसाब से दोस्तों हमें बैट्समैन ज़्यादा रखने या बॉलर्स रखने या दोस्तों कहीं ना कहीं स्पिनर या पेसर को रखना होगा, किसको दोस्तों टीम में ट्राई करके चलें जिससे कि हमारी टीम अच्छी खासी यूनिक बन पाए। बाकी दोस्तों आपको पता कहीं ना कहीं इंग्लैंड टीम यहाँ पर रिसेंटली मैच खेल करके आ रही है और वेस्ट इंडीज़ को हरा करके आ रही है, उसी वेन्यू पर दोस्तों मैच होने वाला है। हालांकि दोस्तों आपको पता कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करने वाले हैं, पहले ऑप्शन होंगे दोस्तों क्विंटन डिकॉक, फिर फिल स्टार्ट होगा जोश बटलर और दोस्तों कहीं ना कहीं कगेश्वर बाड़ा और नोकिया। ये जैसे 5 खिलाड़ियों को दोस्तों ज़्यादातर लोग कैप्टन वाइस कैप्टन अपने मेगा ग्रैंड लीग स्मॉल लीग और 3 से 4 मेंबर वाली टीम में ट्राई करने वाले हैं। बट दोस्तों कहीं ना कहीं आप जस्ट इमेजिन करके देखिए कि अगर 5 में भाई 2 खिलाड़ी फ्लॉप हो जाते हैं तो उन टीमों का क्या हाल होने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे आज के इस मैच की प्रेडिक्शन ऐसे आपको मिलने वाले हैं जिससे कि आप अच्छी यूनिक टीम बना पाएंगे और अच्छे अच्छे यूनिक खिलाड़ियों को दोस्तों आप अपने मेगा ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर पाएंगे। बाकी दोस्तों 3 मेगा ग्रैंड लीग की टीम आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, बस आप लोग वीडियो देखते रहिए। और आज के मैच के लिए बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन कौन से खिलाड़ी होंगे सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों इनिंग वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे, किस खिलाड़ी को हमें फर्स्ट इनिंग में रखना है, किसको सेकंड इनिंग में रखना है और दोस्तों प्लेयर बैटल क्या रहने वाला है वो भी आपको देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों इस वीडियो को मिस मत करिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊँ कैसे आपको मिल सकता है लीग का टॉप प्राइस, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। आई नो आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा बट दोस्तों यहां पे इस बार जो है 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3 मेगा कॉन्टेस्ट खेल सकते हो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में। मतलब दोस्तों आपको मौका मिलेगा 3 बार मेगा कॉन्टेस्ट जीतने का। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, कैसे आपको ऑफर पार्टिसिपेट करना है आगे देखने को और समझने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, जिस वीडियो को देख रहे हैं उसके पहले कमेंट में लिंक दे रखा है, अदरवाइज जिस वीडियो को देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इस प्रकार का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के फायदे क्या हैं, लास्ट टाइम के अपडेट, पिच रिपोर्ट और 3 से 4 मेगा ग्रैंड लीग की फ्री टीम जो यहां पे मैं आपको देने वाला हूं वही टीम दोस्तों वहां पे अपडेट करी हुई आपको मिल जाती है। बाकी दोस्तों बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में, डेरेन सैमी स्टेडियम की पिच पर यह मुकाबला खेला जाएगा जहां पे मैंने बताया कि अभी जो है इंग्लैंड टीम वेस्ट इंडीज से मैच को जीत करके आ रही। दोस्तों देखिए खास बात इस वेन्यू का क्या है दोस्तों कि इसकी बाउंड्री जो है दोस्तों वो काफ़ी शॉर्ट है, मतलब यहाँ पे बैट्समैन काफ़ी अच्छा स्कोर बना सकते हैं और उनके लिए दोस्तों कहने के ये पिच काफ़ी बेस्ट है। और दोस्तों एक चीज़ आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि अगर हम देखेंगे इस स्टेडियम को तो यहाँ पर भाई कम से कम आपको 3 से 4 बैट्समैन अपनी टीम में लेकर के चलने होंगे। टोटल यहाँ पर दोस्तों जो मुकाबले खेले गए वो दोस्तों 22 मुकाबले खेले गए, हालांकि एक मैच यहाँ पर दोस्तों मैंने इंक्लूड नहीं किया है। और दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर चेस करने टीम ने भी 11 मैच जीते और फर्स्ट बैट करने वाली टीम ने भी दोस्तों कहीं ना कहीं 11 मैचेस यहाँ पे जीते हुए। स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे तो 150 का स्कोर यहाँ पे 7 बार बना है, 150 से 169 का स्कोर 4 बार बना है एंड दोस्तों 170 से 189 के बीच में स्कोर 4 बार बन चुका है। दोस्तों 190 प्लस का स्कोर भी कई बार यहाँ पर बना हुआ है, मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं ये पिच फिलहाल बैटिंग के फेवर में जाने वाली है और बैटिंग पिच दोस्तों रहने वाली है। एवरेज की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों टीम उतनी ज़्यादा सुइटेबल तो है कि अच्छा खासा स्कोर बना सकती हैं। साउथ अफ्रीका दोस्तों अगर यहाँ पे पहले बैटिंग करेगी तो वो भी अच्छा खासा स्कोर 170-180 का बना सकती है, क्योंकि रिसेंट वो टीम भी अच्छा खासा हाई स्कोर बनाकर आ रही है और इंग्लैंड का तो आपने देखा ही दोस्तों कि फिलहाल किस हिसाब से उसने स्कोर चेस किया है। हालांकि दोस्तों हाई स्कोर इस वेन्यू का रहा है 218 का। स्पिनर पेसर किसके लिए पिच बढ़िया है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पिनर पेसर दोनों विकेट निकालते हैं, बट लास्ट मैच दोस्तों आपको याद होगा कि वेस्ट इंडीज की जो खराब बॉलिंग लाइनअप थी भाई उसके कारण यहाँ पे भाई 16 से 17 ओवर में ही मैच को इंग्लैंड ने जीत लिया था। रिसेंट मैच जो यहाँ पे हुआ था वो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये मैच जो फिलहाल इसी वेन्यू पर खेला गया था, लास्ट मैच इस वेन्यू का 180 वेस्ट इंडीज ने बनाया था और इंग्लैंड टीम जो दोस्तों 181 बना लिया था 18 ओवर की 3 गेंदों में। दोस्तों स्पिनर को 4 विकेट मिली थी और दोस्तों पेसर को यहाँ पे जो है 2 विकेटें मिली थी। श्रीलंका 201 का स्कोर फर्स्ट बैट करते हुए बना रहे, वेस्ट इंडीज 218 और स्कॉटलैंड दोस्तों 180। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो टीम पहले बैटिंग करती है उसके लिए भी कहीं ना कहीं पिच काफ़ी बढ़िया है। और दोस्तों अगर हम चेस करने वाली की बात करें तो यहाँ पे एक ही मैच है जो कि यहाँ पे चेस हुआ और ये वाला, मतलब 4 मैचेस अगर हम देखेंगे 2 मैच यहाँ पे चेस हुए, बाकी 2 मैच जो है चेस करने वाली टीम हार ही हुई है। बट स्पिनर और पेसर दोनों के यहाँ पे विकटे हैं और खास करके दोस्तों यहाँ पे कुछ बड़े बॉलर्स भी आपको फ्लॉप होते हुए दिखाई दे सकते हैं जैसे कि लास्ट मैच में आपको देखने को मिला था। बाकी दोस्तों हेड टू हेड की बात करेंगे, लास्ट 10 मैचेस जो T20 के खेले गए हैं साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में, और जो जिसमें कि साउथ अफ्रीका ने 4 मैच जीते हैं और यहाँ पे इंग्लैंड ने 6 मैचेस जीते हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका दोस्तों मैंने बताया कि अभी तक ये टीम एक भी मैच हार करके नहीं आ रही। बाकी इंग्लैंड की बात करें तो इस टीम ने 1 मैच हारा है, बाकी 3 मैच लगातार ये टीम भी जीत करके आ रही। फॉर्म काफ़ी अच्छी है, इंग्लैंड ने इस वेन्यू पर अभी रिसेंट मैच खेला तो काफ़ी बढ़िया इस पिच को समझ गए होंगे इस टीम के बैट्समैन और बॉलर्स। चलिए बात कर लेते कैसे आप जीत सकते हैं मेगा ग्रैंड लीग एट जस्ट 1 रुपीज़
T20 चैंपियनशिप का मैच है दोस्तों 21 जून को जो शाम 8 बजे खेला जाने वाला है, जिस मैच की हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में। इस मैच से पहले आपको करना क्या है, इस वीडियो को कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के डाउनलोड करना होगा माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को और दोस्तों टीम बनाइए। डाउनलोड करने बाद आप लोग रजिस्टर करिए, रजिस्टर करने के अगर आप 1 घंटे के अंदर मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो तो आपकी एंट्री फीस होगी सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये और दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो 3 मेगा कॉन्टेस्ट, मतलब दोस्तों 3 रुपये में आप 3 टीम बना सकते हो जिसमें कि फर्स्ट प्राइज आपका जो जीतने का मौका मिलेगा वो 1 करोड़ का रहने वाला है दोस्तों, है ना फायदे वाली बात। तो बिल्कुल आप लोग डाउनलोड कर लीजिए भाई, 1 रुपये में जो है आप लोग 1 करोड़ जीत सकते हो, 3 बार आपको ये मौका मिलने वाला, मतलब 3 टीम आप बना सकते हो 3 रुपये में। और साथ साथ दोस्तों आप लोग जाकर के डाउनलोड करके यहाँ पे यूज़ करिए मेरा कूपन कोड LIFE20, जिससे दोस्तों आप यहाँ पे फर्स्ट बार अगर डिपॉजिट करेंगे तो 20% आपको एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। मान लीजिए 200 रुपये करेंगे तो दोस्तों 200 रुपये का 20% एक्स्ट्रा जो कैश होगा वो होगा दोस्तों 40 रुपये, मतलब 240 टोटल आपके माई 11 सर्कल अकाउंट पर मिलेगा। 500 रुपये डिपॉजिट करेंगे 600 मिलेगा, 1000 करेंगे दोस्तों 1200 रुपये मिलेगा। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप यहाँ पे कितना डिपॉजिट करना चाहते हैं दोस्तों, कितना फायदा उठाना चाहते हैं। 1500 का दोस्तों यहाँ पे बोनस कैश मिलेगा जो कि हर मैच में यूज होता है। और दोस्तों यहाँ पे बता दूँ कि ये एप्लीकेशन जो है ट्रस्टेड और जेन्युइन एप्लीकेशन है भाई, यहाँ पे हर एक फायदे आपको मिलते रहते हैं जो कि फैंटेसी किसी अदर एप्लीकेशन पर नहीं मिलने वाले। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे नॉन इंडिया मैचेस में भी आपको जो है फर्स्ट प्राइज मिनिमम 1 करोड़ का देखने को मिलता है भाई, गजब की एप्लीकेशन है, बिल्कुल आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। मैं तो भाई 3 रुपये में 3 मेगा टीम जरूर बनाऊंगा और बना भी चुका हूं दोस्तों, ठीक है। और कई सारे मैचेस लगातार हम खेल करके आ रहे हैं माई 11 सर्कल एप्लीकेशन पर और दोस्तों प्रॉफिट कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, कमेंट सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक मिल रहा है। बाकी बात कर लेंगे इस आज के मैच के प्रेडिक्शन के बारे में। इंग्लैंड की तरफ से जो आपको पॉसिबल प्लेइंग मिलने वाली है, जोस बटलर फिल चार्ट दोस्तों ओपनिंग करते हैं, हालांकि इनके लिए पिच काफ़ी बढ़िया होगी। आपको पता है कि दोनों हिटिंग करने वाले खिलाड़ी हैं। जॉनी बेस्टो ने काफ़ी अच्छा स्कोर यहां पे बनाया, क्योंकि दोस्तों जॉनी बेस्टो शायद यहां पे इसी वेन्यू पर 2014 या 2015 में दोस्तों एक मैच और खेल चुके हैं जिसमें दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर बनाया था। हैरी ब्रूक हो गए, फिर मोइन अली हो गए, लियम लिंगस्टन हो गए, सैम करन, रिस टोपले, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, मार्क वुड दोस्तों, ठीक है। इस हिसाब से आपको इस टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11 देखने को मिलने वाले स्टार्टिंग के, और जो है दोस्तों सैम करन, मार्कवुड, जोफ्रा आर्चर करते हैं, फिर देखते हैं आपको जोफ्रा आर्चर, रिस टोपले, मार्कवुड मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों प्लेयर के स्टैट्स एंड रिकॉर्ड की बात करेंगे तो जोस बटलर देखिए लास्ट मैच इसी वेन्यू पर 25 रन बना के गए, बाकी उससे पहले फ्लॉप हुए यहाँ पे 24, यहाँ पे 42, यहाँ पे 39। हालांकि दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन लोग इनको ट्राई करने वाले, बट अभी T20 वर्ल्ड कप में देखेंगे तो एक भी पारी ऐसी नहीं आएगी जिसमें कि आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के लिए सोचें। बाकी खिलाड़ी तेज खेलने वाला है, रन बना सकता है ऐसा नहीं है। और फर्स्ट बैट करते दोस्तों 39 का औसत, चेस कर तो 34 का औसत है। अगेन साउथ अफ्रीका 15 मैच 409 रन 31 का औसत है दोस्तों, खिलाड़ी बढ़िया होगा, बिल्कुल टीम में रख लीजिएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन भी। 3 मेगा ग्रैंड लीग टीम आप दोस्तों बनाएंगे। फिल चार्ट की बात करेंगे, 87 रन की पारी चेस करते हुए, और बाकी दोस्तों यहां पे 11, 12, 37 हिसाब से इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। और दोस्तों देखिए चेस करते हुए इनका वैसे भी औसत बढ़िया रहता है, 39 का है। आईपीएल में दोस्तों आपने देखा होगा कि ये खिलाड़ी जब जब कोलकाता की तरफ से चेस किया अच्छे खासे इसने रन बनाए, हाईएस्ट जो इनिंग थी दोस्तों वो चेस करते हुए है, और खिलाड़ी बढ़िया खेलता है। बट साउथ अफ्रीका गेम्स में दोस्तों पहला मैच होगा, टीम में रखना भी है, बट सीबीसी के लिए थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि नोकिया रबाड़ा अच्छी खासी फॉर्म में चल रहा है साउथ अफ्रीका टीम से। लेकिन दोस्तों यहां पे तीसरे नंबर खिलाड़ी जो है जॉनी बेस्टो 48, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 31, और यहाँ पे 7, यहाँ पे 28, 21, 14, 27, मतलब ये खिलाड़ी टीम में रखने लायक इसलिए होगा कि आपको दोस्तों 30 से 35 पॉइंट तो दे करके जाएगा हर हाल में, क्योंकि उतने रन तो ये बना ही देता है, ठीक है। और अगेन जो साउथ अफ्रीका दोस्तों बहुत अच्छा खेल रहा है, 11 मैचेस में 466 रन 51 का औसत है। वेन्यू पर दोस्तों 2 मैच खेल चुका है, देखिए 48 की पारी, इससे पहले भी 1 इनिंग इसी वेन्यू पर खेली है। जॉनी बेस्टो ने काफ़ी अच्छे रन बनाते, हाईएस्ट इनिंग खेली थी, 116 रन हो चुके 2 मैच में, और दोस्तों 58 का औसत है, बिल्कुल टीम में आप लोग रख करके चलिएगा। फर्स्ट बैट करते 30 का औसत है दोस्तों, चेस करते हुए 30 का है, दोनों तरफ से बढ़िया होगा। हैरी ब्रूक की बात करें दोस्तों बैटिंग ही नहीं मिली, हालांकि खिलाड़ी बढ़िया है, अगर दोस्तों यहाँ पे बैटिंग मिलती है इस खिलाड़ी को फर्स्ट बैट करते हुए या चेस करते हुए, ये खिलाड़ी अच्छे रन बनाकर ट्रम कार्ड होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेगा ग्रैंड लीग में अगर आप 3 टीम बनाते हैं तो बिल्कुल आप इस खिलाड़ी को 1 टीम में जगह जरूर दीजिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे इस खिलाड़ी को बैटिंग मिल जाती है, फर्स्ट इंग्लैंड बैटिंग करती है, तो बिल्कुल आपके लिए दोस्तों ये अच्छा खासा यूनिक प्लेयर साबित होगा इस मैच में। दोस्तों बात करते हैं मोइन अली की, जो कि लेफ्ट बैट्समैन राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर्स हैं। आपने देखा रिसेंट दोस्तों इन्होंने ओवर भी कराया और बैटिंग भी इनको मिल गई थी, 13+1 विकेट जो कि दोस्तों इसी वेन्यू पर आई है। हालांकि अगेन साउथ अफ्रीका बात करेंगे तो 10 मैच में 178 रन है और 9 विकेट भी इन्होंने निकाले हुई है। बाकी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखेंगे तो कहीं ना दोस्तों ये पॉइंट ठीक ठाक आपको दे सकते हैं, मतलब दोस्तों मान चल सकते हैं 30 से 35 पॉइंट आपको ये दे सकते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों आप इनको टीम में रख सकते हैं क्योंकि ये 5वें नंबर के बैट्समैन भी होंगे और खास करके दोस्तों ये बॉलिंग भी कराते हैं। लियम लिंगस्टन की बात करेंगे तो राइट हैंड बैट्समैन, लेग ब्रेक स्पिन बॉलर्स हैं, हालांकि दोस्तों बॉलिंग के चांस इनके भी रहते हैं क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं अनुभवी बॉलर्स हैं
और अगर यहाँ पे पेसर बॉल्स दोस्तों महंगे होते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको मिल रहे हैं जो कि माकुड है, रिस्टोपले, तो फिर कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे ये दोनों प्लेयर बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। दो में किसी एक का सिलेक्शन तो होना ही चाहिए जहाँ तक दोस्तों मोइन अली बेस्ट रहने वाले हैं। सैम करन की बात करेंगे तो आपको पता कहीं ना कहीं रिसेंट इतना खास इनका रोल है नहीं टीम के लिए, दोनों मैचेस में फ्लॉप हैं। बाकी उससे पहले एक विकेट, दो विकेट, दो विकेट, ये आईपीएल फॉर्म में आपने देखा होगा। बाकी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 6 में 3 विकेट हैं, तो यार दोस्तों इस मैच में भी ज़्यादा उम्मीदें करना ठीक नहीं होगा क्योंकि वेन्यू सेम रहने वाला है और 3 से 4 ग्रांड लीग की टीम में दोस्तों कहीं ना कहीं एक आधा टीम में ही हम इनको ट्राई करने वाले हैं। बात करें दोस्तों रिस्ट ओपले की, जो कि राइट आर्म फास्ट मीडियम पेसर बॉलर से लगातार भाई ये फ्लॉप चल रहे हैं सैम करन के जैसे, हालांकि सिलेक्शन कम हो चुका है इनका। और अगेन साउथ अफ्रीका भी दोस्तों रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं, 6 में 2 ही विकेट हैं और वेन्यू पे 1 में 0 विकेट गए। टीम सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यार दो में किसी एक को रखना चाहें तो रख लीजिए, बाकी यार मेरी टीम में दोनों के चांसेस कम रहेंगे और जहां तक ज्यादा टीमों के साथ चलेंगे तब दोस्तों यहां पे सिलेक्शन का करेंगे, अदरवाइज रिस्की रहने वाले। जोफ्रा आर्चर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे रिसेंट फॉर्म इनका देखेंगे तो कंसिस्टेंट बॉलर से मतलब कि एक आधा विकेट तो इनको मिल ही जाएगी, हालांकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में उतनी अच्छी विकेटें नहीं है, 3 में 2 ही विकेट है और वेन्यू पे दोस्तों रिसेंट मैच हुआ था। बाकी अगर हम देखेंगे तो परफॉर्मेंस इनका ठीक ठाक है, मतलब कि दोस्तों आपको एक विकेट ये निकालते हैं तो फिर कहेंगे दोस्तों 30 से 35 पॉइंट तो देकर के जाएंगे। आदिल राशिद दोस्तों ये भी कंसिस्टेंट बॉलर हैं, हालांकि गेंद 13 में 10 विकेट हैं। वेन्यू पे दोस्तों दो मैच इन्होंने खेले, मैंने बताया कि इंग्लैंड के दो प्लेयर्स आपको मिल रहे हैं, जॉनी बेस्टो और आदिल राशिद दोस्तों, जो कि एक पहले इन्होंने मैच खेला है T20 फॉर्मेट का और ये T20 वर्ल्ड कप का इनका दूसरा मैच था इस वेन्यू पर, हालांकि दोनों मैच दोस्तों इनको एक एक विकेट मिल गई। तो यार आदिल राशिद भी कंसिस्टेंट बॉलिंग कर रहे हैं, ये दोनों मेन प्लेयर रहेंगे। बाकी आप यहाँ पे जैसे मैंने बताया रिस्ट ओपले हो गए और सैम करन हो गए दोस्तों और यहाँ पे माकुड हो गए, इनके ऊपर अगर आप रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं, हालांकि माकुड के चांस यहाँ पे इस मैच में विकेट निकालने के ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि गेंद 5 में 6 विकेट हैं। बाकी इस वेन्यू पर लास्ट मैच फ्लॉप हुए थे क्योंकि भाई वेस्ट इंडीज से मैच था, उस टीम का होम ग्राउंड है तो काफी ज्यादा अनुभव भी था उस टीम को तो, बट यहाँ पे इस मैच में कहीं ना कहीं माकुड, रिस्ट ओपले, सैम करन इन तीनों में से दोस्तों एक दो को तो आप रख ही सकते हैं एज अ ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे बेंच की, बात करते हैं दोस्तों बेंच की, जो यहाँ पे विलजैक्स, बेन डकेट, टॉम हटली आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे कोई चेंजमेंट होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका की दोस्तों बात करेंगे तो प्लेइंग 11 आपको पता होगा क्या बैटिंग ऑर्डर रहता है, क्विंटन डिकॉक, रिजा एंड्रिक दोस्तों ओपन करते हैं, तीसरे नंबर के खिलाड़ी एडम माकाम, फिर क्लासेन, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टप, मार्को जेंसेन, ताब्रेज शम्सी और यहाँ पे कगिसोर बड़ा, नोकिया एंड दोस्तों यहाँ पे केशव महाराज। दोस्तों आपको पता कहीं ना कहीं इस टीम के जो मेन बॉलर्स हैं यहाँ पे तो ये मिलने वाले हैं, ये आपको मेन बॉलिंग जो करते हुए नजर आते हैं। बाकी दोस्तों माकम के चांस बनते हैं, अदरवाइज यहाँ पे दोस्तों कोई महंगा ओवर जाता किसी बॉलर्स का तो यहाँ पे माकम भी बॉलिंग कराते हैं, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे खास बैटिंग लाइनअप जो इनका मिल रहा है तो कुछ बैटिंग ठीक ठाक देखने को नहीं मिले दोस्तों इस सीजन, हालांकि लास्ट मैच क्विंटन डिकॉक और क्लासन का बल्ला चला, बाकी माकम ने ठीक ठाक दोस्तों पॉइंट दिए। बाकी यार इस मैच में जहां तक मैं बता दूं कि यहां पे कुछ आपको सोच समझ के ही प्लेयर रखने होंगे क्योंकि गेम जो है जो कि दोस्तों इंग्लैंड है, ठीक है, ध्यान रखना होगा। स्टार्टिंग की ओर की बात करें तो यहाँ पे मार्को जेंसेन, कगिसो और यहाँ पे केशव महाराज कराते हैं, फिर आपको डेथ में जो मिलते हैं नोकिया और दोस्तों रबाड़ा और यहाँ पे केशव महाराज, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे प्लेयर के स्टैट्स एंड रिसेंट फॉर्म के बारे में, कौन से खिलाड़ी को रखना है, किसको ड्रॉप करके चलना है और क्या फिर से क्विंटन डिकॉक को दोस्तों सीबीसी कर सकते हो, क्योंकि भाई लास्ट मैच आपने 74 रन की पारी, हालांकि अगेन इंग्लैंड अच्छे रन बनाते हैं, 11 मैच अभी तक खेले 311 रन बनाए दोस्तों और 28 का औसत लेकर चल रहे हैं, फर्स्ट बैट करते हुए 28 का औसत है, सिक्स करते हुए दोस्तों 41 का औसत है, वेन्यू पे कोई मैच नहीं है। टीम सिलेक्शन की बात करेंगे तो टीम में तो आपको रख करके ही चलना होगा क्योंकि लास्ट मैच इनका सिलेक्शन कम था, भाई किसी ने लिया नहीं था और भाई हमने सभी टीम में दिया था, हालांकि वो बात अलग थी कि हमने कैप्टन नहीं किया था, बट दोस्तों सीबीसी की बात करें तो पिच बैटिंग के फेवर में तो भाई कैप्टन कर सकते हो कि आपको पता है कि खिलाड़ी बढ़िया लंबी पारी खेलता है। एंड्रीज हेंड्रिक की बात करें लास्ट मैच फ्लॉप है दोस्तों, यहाँ पे 43-0, 3-4 और यहाँ पे 6 दोस्तों, बट कहेंगे दोस्तों बैटिंग पिच में ये खिलाड़ी भी बढ़िया बैटिंग करके जाता है, ट्रम्प कार्ड बनेगा इस मैच का, आप इसको मेगा ग्रांड लीग में ट्राई कर सकते हो क्योंकि 3 मेगा ग्रांड लीग तुम दोस्तों बनाएंगे तो फिर उसमें रखना होगा क्योंकि भाई वेस्ट इंडीज के केस में यहाँ पे देखिए 87-73 इस प्रकार से इसने लंबी पारी भी खेली है और ज्यादातर दोस्तों बैटिंग जहाँ पे पिच होती है वहाँ पे दोस्तों। एंड यहाँ पे बात करेंगे वन डाउन जो कि एडम माकम, दोस्तों बॉलिंग भी कर रहे हैं बैटिंग भी कर रहे हैं तो यार बिल्कुल सेफ सीबीसी भी ट्राई कर सकते हैं, हालांकि अगेन दो मैच खेले 103 रन बनाए इंग्लैंड के अगेंस्ट में, बढ़िया बैटिंग भी करी है, 51 का औसत भी है, एक विकेट भी है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं बॉलिंग कराएंगे, मान चलिए क्योंकि बड़ा मैच होने वाला है तो बिल्कुल सेफ कैप्टन के तौर पर आप इनके साथ चल सकते हो। क्लासन की बात करेंगे तो यार खिलाड़ी आपको पता कि टीम में रखने लायक होने वाला है क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शंस मिलता है, खास करके बैटिंग तो करता है, ये बढ़िया है, यहाँ पे 36, यहाँ पे 3-46, यहाँ पे 4-19, 16-50 गज, ठीक है, तो ये खिलाड़ी आपकी टीम में होना चाहिए। बाकी दोस्तों डेविड मिलर आपको मिल गए, लास्ट मैच फ्लॉप थे, उससे पहले फ्लॉप थे, स्टप्स की बात करें तो ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल करता है बट दोस्तों कहीं ना कहीं पॉइंट आपको ठीक ठाक देखकर जाता है। देखिए डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टप, रिजा हेंड्रिक, भाई तीन में से आपको किसी एक का सिलेक्शन करना होगा जहां तक रिजा हेंड्रिक और स्टप्स एक अच्छी पारी खेल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि स्टप्स ने भाई बैटिंग करी अगेन इंग्लैंड, 3 मैच में 95 रन बनाए 47 का औसत है, ओके दोस्तों। एंड फिलहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मार्को जेंसेन की जो कि बॉलिंग बैटिंग दोनों, हालांकि अगेन इंग्लैंड एक भी मैच नहीं है
और दोस्तों उतना खास रिकॉर्ड दो मैचेस से देखने को नहीं मिला है। उम्मीद थोड़ी सी कम करेगा, सीबीसी तो करना नहीं है, हालांकि टीम में ट्राई करना चाहते, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, बट रिस्क रहने वाला है। तबरेज़ शम्स दोस्तों कंसिस्टेंट है, और जैसे कि आदिल नासिर बिल्कुल टीम में रख लीजिए, अनुभव बढ़िया है दोस्तों, बॉलर्स काफ़ी टॉप क्लास है, लेकिन 12 मैच 16 विकेट इंग्लैंड के, और खिलाड़ी बढ़िया होगा बिल्कुल, दोनों तरफ से आप टीम में ट्राई करिएगा। अगर साउथ अफ्रीका दोस्तों पहले बैटिंग करती है, सेकंड इनिंग ये टीम बॉलिंग करती है, तो फिर उस कंडीशन में कहेंगे आपके लिए यूनिक सीबीसी भी होने वाला है। एंड दोस्तों रबाड़ा की बात करेंगे तो लास्ट मैच 3 विकेटें, बाकी यहाँ पे 0-2, खिलाड़ी बढ़िया होगा, अगेन इंग्लैंड 8 में 10 विकेटें हैं, बिल्कुल भाई टीम में ट्राई करना होगा। नोके की बात करें कंसिस्टेंट है, टीम में ट्राई कर लीजिएगा, बट दोस्तों सीबीसी के लिए फिर से कहीं ना कहीं वही होगा कि एक विकेट मिलती है, दो विकेट बहुत मुश्किल से मिलने वाले। दोस्तों केशव महाराज की बात करेंगे, कंसिस्टेंट बॉलर्स, हालांकि दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया कि बॉलर्स को एक टीम में आपको बहुत कम लेकर के चलने की जरूरत होगी, बाकी टीम क्या रहने वाली दोस्तों आपको आगे देखने को मिलने वाला है, लेकिन 4 में 3 विकेटें हैं दोस्तों, और खासकर दोस्तों यहाँ पे ये देखिए सेकंड इनिंग बॉलिंग करते हुए विकेट ज्यादा निकालते हैं, बट कंसिस्टेंट 2 मैचेस से बॉलिंग कर रहे हैं। बेंच दोस्तों क्वैटजी 14 एंड यहाँ पे रिकल्टन आपको मिलने वाले, क्वैटजी एक अच्छे बॉलर है, बाकी मुझे नहीं लग रहा कोई चेंजमेंट होगा। दोस्तों फिर बैटल के ऊपर नजर डालेंगे तो बटल को दोस्तों यहाँ पे केशव महाराज ने भाई 3 बार आउट किया 31 गेंदों में 37 रन देकर, ध्यान दीजिएगा ठीक है। रबाड़ा ने 2 बार आउट किया 57 गेंदों में, एंड नोकिया की बात करें तो 59 गेंदों में दोस्तों 2 बार आउट कर चुके हैं, फ्लिपसार्ट को शमसी ने 2 बार आउट किया है 12 गेंदों में, और जेनसन ने भी दोस्तों 1 बार आउट किया है, नोकिया ने भी 1 बार आउट किया, तो कहीं कहीं फ्लिपसार्ट थोड़ा सा रिस्की रहने वाले, बाकी देखेंगे यार बैटिंग के फेवर में पिच है तो चांस देंगे सीबीसी का। बेस्टों की बात करेंगे तो भाई केशव महाराज ने 2 बार आउट किया है, रबाड़ा ने 2 बार आउट किया, तबरेज़ शम्सी ने 2 बार आउट किया, एंड लियम लिंगस्टोन को केशव महाराज ने 1 बार आउट किया दोस्तों, तबरेज़ शम्सी ने भी 2 बार आउट किया हुआ है। बाकी बात करेंगे साउथ अफ्रीका टीम के बैटिंग के जो फेवर में आपको प्लेयर मिल रहे हैं, तो भाई क्या इनका मैचअप है, मोइन अली को 4 बार आउट कर, सॉरी मोइन अली ने 4 बार आउट किया क्विंटन डिकॉक को, एंड रिस टॉप ने 2 बार आउट किया, रिज हैंडिक को यहाँ पे मोइन अली ने 2 बार आउट किया, रिस टॉप ने 1 बार आउट किया, डेविड मिलर को मोइन अली ने दोस्तों 2 बार आउट किया, लियम लिंगस्टोन ने 2 बार आउट किया, मोइन अली ने दोस्तों माकम को भी 1 बार आउट किया, और लियम लिंगस्टोन ने भी बॉलिंग करी बट आउट नहीं किया। तो मोइन अली यार देखने की कहीं ना कहीं और टॉप क्लास के जो बैट्समैन मिला साउथ अफ्रीका उनको दोस्तों आउट किया हुआ है ठीक है। यानी कि मतलब ये 4 प्लेयर दोस्तों मेरे 4 को भाई मोइन अली का मैचअप मिल रहा है, तो फिर समझ के आप मोइन अली को रखेगा और हो सकता है थोड़ा सा रिस्क लेकर के सीबीसी दोस्तों कर सकते हो। फाइनली दोस्तों हमारी जो 3 मेगा ग्रांड लीग की टीम रहने वाले हैं आप लोग देख सकते हैं, बट दोस्तों इन टीम को भी आपको कंफर्म कहाँ करना है, टेलीग्राम चैनल पर आफ्टर टॉस, क्योंकि 7:30 बजे दोस्तों टॉस होगा, 7:35 या 7:40 पर आपको जो है फाइनल 3 से 4 मेगा ग्रांड लीग की टीम मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को बहुत आसानी से, कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फिलहाल जाइए दोस्तों और ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे नई वीडियो में, जय हिंद जय भारत।